अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में एक बार फिर से हाथियों की वापसी हो गई है। हरदी बाजार के गांव बेटी स्थित लाल मछिया पारा के जंगल में करीब एक दर्जन हाथियों को विचरण करते हुए देखा गया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम आमा नारा से होते हुए हाथियों के यहां पहुंचने की बात कही जा रही है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण जहां दहशत में है, वहीं वन विभाग उन्हें रिहायशी इलाके में प्रवेश करने से रोक रहा है। कोरबा शहर के ग्राम दादर खुर्द स्थित एक कुएं में गाय का बछड़ा गिर गया, जिसे स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने गांव के युवाओं के साथ काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कुएं में सांप की मौजूदगी के कारण रेस्क्यू के दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बावजूद बछड़े का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत गौमाता चौक के आगे एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रेलर के पलटने के दौरान एक बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गया। हालांकि बाइक सवार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में राखड़ लोड था जो चापा की तरफ जा रही थी, वही बाइक सवार भी चापा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मोड़ पर ट्रेलर चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और दुर्घटना घट गई। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जांजगीर जिले में लगातार कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर जिले के ग्राम गुड़गा में स्थानीय अभियंता की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी से खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है, जो अगले कई दिनों तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारियों की मौजूदगी में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के प्रति आकर्षित करने के लिए आयोजन समिति की तरफ से नगद इनाम की भी व्यवस्था की गई है। कवर्धा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल के कर्मचारी पर 4 साल की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मासूम का मेडिकल टेस्ट कराया, तब दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी कौन है इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। बच्ची से बयान लिया जा रहा है, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में पुलिस द्वारा बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरबा शहर के विभिन्न वार्डों में मौजूद उद्यानों की बदहाली जल्द दूर होने वाली है। महापौर द्वारा निगम के अधिकारियों के साथ उद्यानों का निरीक्षण कर वहां मौजूद खामियों की सूची तैयार की जा रही है और उनके निराकरण को लेकर निर्देशित किया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर ने वार्ड नंबर 12, 17 और 18 में मौजूद उद्यान का जायजा लिया और वहां मौजूद समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने जांजगीर जिला मुख्यालय लिंक रोड पर संचालित जर्नी पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। पेट्रोल पंप से सटे कई बस्तियों में बोर के पानी से पेट्रोल युक्त पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसकी शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने जांच की और शिकायत को सही पाए जाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसे रोकने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सनातन धर्म से जुड़े लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीती रात शहर में हिंदू स्वाभिमान जागरण यात्रा का आयोजन किया। कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पहले सुंदरकांड भजन का गायन किया गया, फिर उसके बाद संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में लोगों के साथ हाथों में मशाल लेकर पैदल यात्रा निकाली, जो पंडित रविशंकर शुक्ल नगर होते हुए घंटाघर निहारिका क्षेत्र का भ्रमण किया। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जिला स्तरीय पशु मेला और प्रदर्शनी कोरबा जिले में आयोजित की गई। इसे देखने के लिए विभिन्न क्षेत्र से लोग पहुंचे। यहां पर पशुओं की विभिन्न नस्लों का प्रदर्शन किया गया और उनके बारे में हितग्राहियों को जानकारी भी दी गई।